फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोटेक सुमन तदन। कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ MG की कार, जो कि मेरी खुद की गाड़ियाँ हैं। मेरे पास तीन गाड़ियाँ हैं, MG हेक्टर, टाटा सफारी स्टॉर्म और टाटा टियागो। आप सबकी डिमांड थी कि मैं अपनी गाड़ियों के बारे में बताऊँ, तो क्यों ना फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि आप सबके साथ एक एक करके मैं अपनी गाड़ियों के बारे में शेयर करूँ। तो आज मैं आप सबके सामने लेके आया MG हेक्टर। ये 2018 मॉडल है और आपको इसके अंदर एक बेनिफिट और मिलेगा इस वीडियो में कि आपको मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू भी इसके साथ मिलता है, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, ये MG एक्टर आप देख रहे हैं, जो कि पेट्रोल वर्जन है, टॉप एंड मॉडल है। फ्रेंड्स, MG एक्टर जो है, इस समय अगर आप कहेंगे बाजार के अंदर कम पैसों के अंदर आपको वो सारी लग्जरीज देती है जो कि आप एक लग्जरी गाड़ी से फील करते हैं। और मॉइस गैराज इसका पूरा नाम है। ये ब्रिटिश कंपनी होती थी जो कि कई दौरों से गुजरी, कई बार अप एंड डाउन देखे, पर आज फाइनली चाइना की एक कंपनी ने इसको हायर किया। मगर एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स कभी भी छोड़े नहीं। आप देखोगे मैप में की है, इतनी कॉम्पैक्टेबल है और इतनी बेटर है कि पूछिए मत। इसमें बूट ओपन, डोर ऑन लॉक एंड अनलॉक दोनों देख रहे हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर गाड़ी की की में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको जस्ट यहाँ से करके इस तरह से की भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बूट की तरफ आते हैं तो इस समय इस बजट के अंदर इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है अभी तक सिर्फ इसी गाड़ी में आया है और मैं चाहता हूँ कि सारी कंपनियों से लेके आए। तो एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जिस तरह से इसके बूट खोल रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि टेल गेट जो है इलेक्ट्रिक है, बूट जो है काफ़ी बड़ा है। लीटर्स को छोड़िए, सामने प्रैक्टिकल आपके सामने रखा हुआ है। ये फुल साइज की अटैची है। मैं आप सबके सामने इसको इस तरह से रखा हूँ। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक दो तीन फुल साइज़ की अटैची है और उसके बाद भी आपके पास ऊपर की स्पेस थोड़ी बहुत बचती है। लेकिन मैं कभी भी आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऊपर सामान ना रखें, क्योंकि पीछे की विजिबिलिटी ड्राइवर को प्रॉब्लम करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कहते हैं कितनी स्पेस है। और देखिए सर, जस्ट वन टच से पूरा का पूरा बूट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके टायर्स की तरफ। तो इसके अंदर आपको 215/60R टायर मिलता है, जो कि गुड़िया के टायर्स हैं और बहुत ही सॉलिड। और इसके अंदर आपको डायमंड कट के अलॉयज मिलते हैं, जो कि चलते समय बहुत ही प्यारा फील देते हैं और गाड़ी को बहुत लग्जरी फील देते हैं। और फ्रेंड्स, फ्रंट की बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट विद LED मिलता है, और जो आपको फ्रंट लाइट्स हैं वो आपको टोटली LED मिलती हैं। ग्रिल जो है इसका आपको टिपिकल MG का मिलेगा, यहाँ पे बड़ा सा MG का लोगो मिलेगा और आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 360 कैमरा मिलता है फ्रेंड्स, जो कि अपने आप में बहुत ही प्यारा फीचर है। मैं आपको अंदर चलिए इस कैमरे को दिखाऊं। बैक की बात करें तो आप लाइट देख सकते हैं, स्लीक है और ये समझ लो ये रिफ्लेक्टर्स जो है इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। रात को जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ये एक ही पीस है, बट जस्ट ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको छोटी सी डिस्प्ले दी हुई है जिस पर आपका मॉइस गैराज लिखा हुआ है। ये एसेसरी के अंदर आती है, आपको सेपरेटली लेना पड़ता है। MG हेक्टर की बैजिंग मिल जाएगी आपको, और प्लस आपको यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड का भी आपको वैल्यू मिलेगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैकलाइट्स दी हुई हैं, जो कि रिवर्स लाइट्स आती हैं, उसके साथ आपको एक पूरी कंप्लीट रिफ्लेक्टर लाइट यहाँ पे मिल जाती है। और आपको डबल साइलेंसर मिल जाता है, प्लस आपको स्किड ब्रेक देने के लिए आपको कीलेस एंट्री मिलती है। और इसका डोर जो है काफ़ी वाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक और लेदर का कॉम्बिनेशन मिलता है, प्लस आपको ग्रे कलर मिलता है। यहाँ पे आपके विंडो के कंट्रोल्स हैं और डोर लॉक जो है वो भी मिल जाता है। प्लस अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइट का मिल जाता है, इसके अंदर ऑटो डिमिंग लाइट्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं आपकी। तो यहीं से बूट ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब हम अंदर आ गए हैं और अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा टच स्क्रीन है, जो कि इस गाड़ी की हमेशा स्पेशलिटी है। तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, पुश स्टार्ट स्टॉप है। तो आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा डिजिटल है। सारे कंट्रोल्स आपके स्टेयरिंग पे मिल जाते हैं। ये आपका सारा क्रूज कंट्रोल है और यहाँ पे आपको सारा म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, प्लस आपका कॉल पिक एंड ड्रॉप करने के लिए भी है। बहुत इजी और लग्जरी फील देती है गाड़ी, और ये सारे के सारे सॉफ्ट टचेस हैं, पूरी तरह से लेदर रैप्ड स्टेयरिंग है। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइट के हाई बीम और लो बीम मिल जाता है। अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके सामने सारा टच पैनल है, जो कि पूरा का पूरा एक टैब है, जिस जो हमेशा MG की स्पेशलिटी रही है। और हमेशा MG कहता है कि इसको हम टैब की तरह कंट्रोल करते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग फीचर्स आते हैं इसके अंदर,
आप गाना ऐप हो चाहे अलग अलग ऐप्स हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर आपको यहाँ पे दिखा होगा एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लस फ्रंट में आप देखेंगे तो थोड़ी सी स्पेस है, वहाँ पे आपको ऑक्स के लिए, प्लस आपको एक 2 वॉट का चार्जिंग का ऑप्शन, प्लस आपको म्यूजिक के लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी देखी है, ये आप देख सकते हैं। प्लस अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपना फोन भी रख सकते हैं। MG में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन आता है। जो मैं गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ ये टॉप एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। यहाँ पे आपको इन्होंने पावर ब्रेक देखी है, ये आपका ऑटो हिल असिस्ट है, उसके बाद ये आपका पार्किंग के अंदर हेल्प करता है, और ये आपका 360 कैमरा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने 360 कैमरा दबाऊंगा, अब आप सामने देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे सारे व्यूज दिख रहे होंगे। ये हमारी गाड़ी का ऊपर का लेआउट है, ये फ्रंट का है, ये साइड का है, इस तरह से अलग अलग लेआउट आएंगे आपके, बैक फ्रंट सब आ जाएंगे आपके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बैक का आ गया, और अगर मैं ये करता हूँ तो ये फ्रंट का कैमरा आ गया, ये आपके राइट का है, ये आपका लेफ्ट का आ गया, प्लस ये गाड़ी का आपका पूरा व्यू दे रहा है। तो टोटल सराउंडिंग्स में अब देखिए गाड़ी एक निकल रही है, राइट से गाड़ी गई है तो वो दिखा रहा है। मीटर में फ्रेंड्स आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग हो गई, आपका ट्रिप मीटर्स हो गए, इस तरह से आपका स्पीड आ गई करंट की, आपको ड्राइविंग टाइम वगैरह रेंज हर चीज़ दिखाएगा आपको, हर तरह के आप लग्जरी फीचर्स चाहेंगे आपको सब मिल जाएंगे। प्लस अलग अलग क्या नाम है आपका यहीं पे स्क्रीन पे आपको क्या नाम है FM वगैरह आ गया, आपका फ़ोन कनेक्टिविटी आ गई, आपका GPS वगैरह अगर आप करते हैं तो वो भी सब चीज़ें आपको आ जाती हैं। यानी हर वो लग्जरी फीचर जो आप एक लग्जरी गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं आपको MG के अंदर मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स मिलते हैं, इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि अपने अंदर बहुत ही अच्छा साउंड है और साउंड क्वालिटी बहुत ही औसम है। प्लस अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आपको 2 कप होल्डर विद लाइटिंग मिलती है, और प्लस आपको यहाँ पे स्टोरेज के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं कि स्टोरेज कुछ ना कुछ की हुई है, काफ़ी अच्छी है, आराम से एक सन ग्लासेस प्रॉपर आने के बाद भी अच्छी खासी स्पेस। अगर आप इसमें देखेंगे तो वैनिटी के अंदर आपको लाइट मिल जाती है, साथ में आप फ्रंट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, प्लस आपको इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है जो कि आप देख सकते हैं। काफी बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ है जो कि अपने अंदर बहुत ही अच्छी फीचर्स को लेके आती है। ये देखिए गाड़ी जो है बहुत ही रूमी फील होती है सनरूफ की वजह से, इसके अंदर और भी ज्यादा क्या नाम है स्पेशियस या कह लीजिए कि एयरी लगती है। गाड़ी जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, 2018 हमने ये गाड़ी ली थी और अब तक इसके अंदर कई सारे ट्रिप्स किए हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, कभी भी कोई भी थकावट इसके अंदर हमारे को महसूस नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, अब पिछली सीट पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, और आपको स्टोरेज के लिए मैं सीधा दिखा देता हूँ कि 1 लीटर की बोतल जो है यहाँ पे रखी हुई है। मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म रिव्यू है, इसलिए आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमने खुद फील की और खुद इन सब चीज़ों को महसूस किया। तो गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, सीटें इतनी कंफर्टेबल है, टोटल आपको क्वालिटी जो है कुशनिंग बहुत अच्छी मिलती है। गाड़ी के अंदर बैठना उतरना बहुत आसान है, काफ़ी वाइड एंगल में आपके डोर खुल जाते हैं, जो फ्लोर जो है बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए थर्ड पैसेंजर को बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही खुली कंफर्टेबल गाड़ी है। पीछे भी आपको AC वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ से अगर हम खोलेंगे आर्मरेस्ट को तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स की स्पेस देखी है, और गाड़ी में आप कितनी भी लॉन्ग ड्राइव करें बहुत ही कम्फर्टेबल लगता है और बहुत ही लग्जरी फील करता है। आप आगे बैठें चाहे पीछे बैठें, आपको कम्फर्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई स्पेस की दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको 1.4 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि आपका 141 हॉर्स पावर बनाता है, और इसके अंदर आपको माइलेज जो है 14 की मिलती है, ओवरऑल माइलेज जो है आपकी 12 की आती है, मगर सबको डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में गाड़ी चलाते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में चलाते हैं, लेकिन अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको 14 से 15 की एवरेज आराम से देगा। फ्रेंड्स, 4 साल में इस गाड़ी ने हमारे से कुछ खर्चा नहीं मांगा, क्योंकि इनके सर्विसेज पैकेजेस थे जिनके अंदर हमारे को बहुत कंफर्टेबल रहा। गाड़ी बहुत ही अच्छी, बहुत ही कहते हैं वैल्यू फॉर मनी कार में इसको कहूँगा, और हर लग्जरी देती है इतने कम पैसों के अंदर। अभी भी मैं ये कहूँगा कि बजाज के अंदर इससे ज़्यादा लग्जरी कोई गाड़ी नहीं दे सकती। बाकी आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट के अंदर बता सकते हैं, अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, याद से बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।